रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के 137वें कोर्स की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के सहारे भारत से युद्ध में लिप्त है, लेकिन आज मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वह इस युद्ध में कभी भी जीत नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक जगत में पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है और पूरी दुनिया में अलग अलग किया गया है, इसका बड़ा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति को जाता है। जी हां, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को 1948 से लेकर 1965, 1971 और 1999 से यह एहसास हो गया था कि वह किसी भी परंपरागत या सीमित युद्ध में भारत के खिलाफ जीत नहीं सकता, जिसके बाद उसने आतंकवाद के जरिए युद्ध का रास्ता चुना है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे यह कह सकता हूं कि पाकिस्तान को हार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सिंह ने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ हमेशा शिष्ट और मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं। वहीं भारत की अपने क्षेत्र से अतिरिक्त कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, लेकिन अगर उसे उकसाया गया तो वह किसी को नहीं बख्शेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम देश की संप्रभुता और लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर कोई हमारी धरती पर आतंकवादी शिविर चलाता है या कोई भी हमला करता है तो हम जानते हैं कि मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।